नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी ने बढ़ते अत्याचार के विरोध में जावर तहसील को सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, जावर में बढ़ती महंगाई और अत्याचार, खाद्य पदार्थों पर GST लगाए जाने के विरोध में प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी व जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। कमल सिंह चौहान की अगुवाई में पदाधिकारियों ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के गांधी चौक जावर में धरना प्रदर्शन किया। जिला पंचायत सदस्य कमल सिंह चौहान प्रसपा द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सर, आज आप यहाँ पर तहसील प्रांगण जावर में सभी मौजूद हुए हैं, किस संबंध में हुए हैं? हम लोगों ने इकाई जावर के तत्वावधान में यहाँ कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके देश और प्रदेश में जो अत्याचार की घटनाएं, दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या और मारपीट की घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं पर पाबंदी लगे और कुछ बुनियादी जो हमारी समस्याएँ हैं, बुनियादी जो मुद्दे हैं, खास करके निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन सारी समस्याओं पर भी मतलब पाबंदी लगे, इसके लिए देश के राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने तहसीलदार जावर के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। इसी संदर्भ में हम सब कार्यकर्ता हैं। सर, आप किस पार्टी से हो? प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी हमारा एक जो कई दिनों में इधर कार्यकर्ता है। तहसीलदार के इधर से आपके क्या आदेश आया है? क्या आपकी बातों पर तहसीलदार साहब इस बात को निर्णय लेगा कि हाँ, वास्तविक में इस पर पाबंदी लगना चाहिए? नहीं, हम लोग जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं और जितने भी आज हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान सत्र में है और देश की जो संपत्तियां हैं उसको, एक केंद्र की जो सरकार है 2014 से आज तक चल रही है, कि संपत्तियों को नीलाम करने में लगी है, हम लोग उनको रोकने के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक दायरे में आंदोलन पहले भी करते आए हैं, आज भी हम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और उसी संदर्भ में हम लोगों ने एक संदेश दिया है कि इस क्षेत्र के अंदर भी जागरूक मतदाता नागरिकगण रहते हैं जो इन समस्याओं का, जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों का विरोध करते हैं। सर, अभी आप यहाँ पे कुछ नारे लग रहे थे, भाजपा ने क्या किया, देश को बर्बाद किया, तो भाजपा ने एक नारा भी दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी तो सुरक्षित है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, तो वही हम लोगों ने अभी ज्ञापन में भी जिक्र किया है कि चाहे बंडा का मामला हो, चाहे नेमावर का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, देश की जो बेटियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है। अब बच्चियों के साथ दुष्कर्म घटनाएं हो रही, हत्या और बलात्कार आम हो गया है, तो इन सारी चीज़ों पर, इन सारी मतलब जो ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर लगाम लगे, इसके लिए हम लोग कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के दौरान महंगाई के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। वहीं चौहान ने कहा कि जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त थी, उस पर भी खाद्य वस्तुओं पर GST लगाकर सरकार ने जन विरोधी होने का सबूत दिया है। धरना प्रदर्शन में शामिल कमल सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसपा, जिला पंचायत सदस्य सीहोर सलीम खान, प्रदेश अध्यक्ष रामचरण दवारिया, जिला अध्यक्ष बंसीलाल बॉम्बे, कार्यालय प्रभार मोती लाल मोलू खेड़ी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता रहे उपस्थित। इंडिया 24 न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय भीम।